अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। इस मौजूदा ट्रिप का आज आखिरी दिन है और हम पहुंचे हैं ओरमारा बीच पे। ओरमारा बीच पे हम रात को पहुंचे थे और रात को स्टे किया, यहाँ पे कैंप लगाए, खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हमने यहाँ पे बहुत देर तक ये साहिल को एंजॉय किया है और बहुत मज़ेदार सुकून की रात गुजरी है। और अभी नाश्ता कर लिया है, अब ज़रा सा जा रहे हैं समंदर में, एक बोट राइड है हमारी, और इसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर कराची के लिए रवानगी है। रात को ओस बहुत थी और जब सुबह उठे हैं तो हर शय धुंधली थी, कोई 9:30 बजे तक तो विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए हम नहीं जा सके समंदर में। तो अब ये कि तरह से 10 बज चुके हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, धूप तेज़ निकल आई है। एक विजिट है समंदर में, और इस यहाँ पर एक पहाड़ है जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे एंजेलिना जूली ने प्रिंसेस ऑफ होप को नाम दिया था, बिल्कुल इसी तरह से वो जब यहाँ पे से गुजरी थी तो एक पहाड़ है। अभी भी गो के बहुत ज़्यादा धुंध है, वो पहाड़ शायद इतना वाज़े नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है कि उसको एक महसूस ये होता है कि जैसे कोई मम्मी है जो लेटी हुई है और उसका रुख बिल्कुल आसमान की जानिब है। तो वो ये है, एंजेलिना जूली ने इसका नाम दिया था द मम्मी। तो उसके बाद से इसको लोग देखने के लिए आने लगे हैं और इसकी एक शनाख्त बन गई है। तो ये हकीकतन यहाँ से नज़र मुझे मेरी, मैं अपनी नेकेड आई से देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल वाज़े है लग रहा है ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक मम्मी है जो लेटी हुई है। तो मैं नहीं यकीन से कह सकता कि कैमरे की आंख इसको इतने वाज़े दिखा पा रही है या नहीं। ये है मेरा कैंप और अभी इसको रैप अप नहीं किया है कि जैसे धूप लग जाए, खुश्क हो जाए। इस ट्रिप का ये आखिरी एक्टिविटी है और ओरमारा बीच पे अब हम जा रहे हैं ओपन सी में, और इरादा ये है कि हमने फ़िशिंग भी करनी है और कुछ इंजॉय करना है, कुछ टाइम गुजारना है। हमारे साथ हैं आमिर भाई और उनकी मिसिस मदीहा रशीद आज़ाद कश्मीर और रूबी इस्लाम फ्रॉम लाहौर, सायरा फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद क्वादर के ट्रिप का आज आखिरी दिन है और हम आखिरी दिन मौजूद हैं ओरमारा बीच पे, और ओरमारा बीच पे हम कर रहे हैं फिशिंग। बस फाइन।
फाइनली हमने मछली पकड़ ली। यस देखे कितनी माशाल्लाह बड़ी है। एक और आ गई, पकड़ पकड़ इसको छोड़। अरे गिंगड़ा अर्था, हाँ इसको छोड़ देना नीचे। हाँ एक और आई, एक और आई, एक और माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह आ जाए, या अल्लाह आ जाए, आ जा आ जा। छोड़ दे, नहीं कही जाती वो, छोड़ दे। नहीं मार, बस कर जाओ, बस कर जाओ, ए बस कर जाओ, ए गेंगड़े। ओ गेंगड़ा आया, गेंगड़ा। एक और फाइनली, एक और, एक और। गेंगड़ा मतलब गेंग नाम है इसका, मछली गेंगड़ा मछली। और वो जो पहले पकड़ी है वो उसका, वो दंडिया है, वो दंडिया। और ये गेंगड़ा। इस वक्त हमारे पास तीन मछली हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, तीन। और एक एक अभी है, कल पकड़ी है उन्होंने, भी पकड़ी है उसने भी, सेम टाइम निकाली है भाई। बस अब ये बंद कर। इतने ज्यादा हमने मछलियां फाइनली पकड़ ली, अभी वहां जाके आपको दिखाते हैं। मैंने टारगेट अपना 12 का पूरा कर लिया। यस 12 का, 11 क्या, 11 12 मैंने 11। आप कुछ बोल रही हैं, कैसा रहा ट्रिप? ये अच्छा रहा माशाल्लाह, अच्छा रहा, बताया एंजॉय किया आपने? शाह जी सर, हां क्या रहा आज का ट्रिप? ऑसम, ऑसम, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। ये था नदीम हमारा मल्ला, और ये हमारा मैंने तो शिकार खेला ही, शिकार खेला ही नहीं आज, नहीं खेला तो वैसे ही नहीं खेलता। तो आज एक बहुत ही ऑसम डे था हमारे लिए, और बहुत ही इंजॉय किया। मछलियाँ भी कुछ हाथ में आ गई हैं। अब फैसला ये करना है कि हमने उनको यहीं पका के खाना है या कराची लेके जाना है। और ये है बोलान सफारी रिजॉर्ट, जो ओरमारा बीच पर सयाहों के लिए एक बेहतरीन मुकाम है, जहां आप अपनी फैमिली के साथ तफरीही लम्हात को यादगार बना सकते हैं। आइए बोलान सफारी रिजॉर्ट को अंदर से भी विज़िट करते हैं। ये है बोलान रिज़ॉर्ट में हमने कैंप किया था, और ये है इस बोलान रिज़ॉर्ट का एक बेडरूम, और बहुत खूबसूरत इसको एक आर्टिस्टिक वे में इसको मेंटेन किया गया है। और इसकी जो व्यू है यहाँ से वो बहुत ही ऑसम है। एसी लगा हुआ है, व्यू उसका बहुत खूबसूरत है, बेड और उसके बेडिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो वॉशरूम है वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरे हैं और ख़ासा कुशादा है। एक छोटा सा फ्रिज है, सब कुछ, यानी कि बहुत ही कमाल का ये रूम है। तो इसका व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है, और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ये इस रूम के लिए भी है कि आप इस रूम में स्टे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ये ऑप्शन है, ये है कि आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप इनके कैंप भी ले सकते हैं, और आप अपने कैंप भी ला सकते हैं, और आप अपने कैंप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। ये जो ज़मीन है इस पर भी आप अपने कैंप लगा सकते हैं। उसके साथ अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आप ये साहिल समंदर के बिल्कुल साथ, साहिल के बिल्कुल साथ रेत पर भी अपने कैंप लगा सकते हैं। तो
बहुत रीज़नेबल इनके चार्जेस हैं। कहाँ से आप आए? कराची से। कराची से कैसे रही पिकनिक? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। खास बात क्या है? बीच साफ है। बीच साफ है और बीच साफ है। आने वालों को क्या सजेस्ट करोगे आप? मैं आने वाले को सजेस्ट करूँगा कि देखिए आप सामने देखें, ये आते हैं सारा कचरा वगैरह फैला देते हैं, ये इसी से ख्याल नहीं रखते। सही बात है। अगर इसी से ख्याल रखेंगे तो ये बीच लिफ्टन की तरह नहीं होगा। सही बात। और साफ़ सुथरा रहेगा, बाकी जो लोग आएंगे उनको भी बुरा नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आने का और लिफ्टन जाने का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट यस, यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है तो पानी यहाँ का ग्रीन और ब्लू है, जबकि आप क्लिफ्टन और अगर सीवी वगैरह जाएँ तो वहाँ पे पानी हमारा ब्लैक हो गया है। तो यही है बस कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि एटलीस्ट जब आप विज़िट करें तो आपको साफ़ सुथरी जगह मिले। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रूम है और इसका जो व्यू है वो डायरेक्ट सी का है, इसमें एसी है, प्रॉपर बेड सही है, बाथरूम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सो दिस इज़ अ गुड रूम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। 5 दिन और 4 रातों पर मुश्तमिल ये ट्रिप अब इख्तिताम की जानिब गामजन है। ट्रिप की खूबसूरती की अगर बात करूं तो सबसे दिलचस्प पहलू यही रहा कि ये बाइक ट्रिप था। एक तवील अरसे से ख्वाहिश थी कि ईरान की बॉर्डर तक बाइक पर सफ़र करूं। वो बहमदिल्ला ख्वाहिश पूरी हो गई। सफ़र को खुशगवार बनाने में ग्रुप मेंबर्स का किरदार बहुत ही शानदार रहा। आमिर और उनकी मिसेज बहुत ही तजर्बेकार बाइकर्स हैं, ऐसे ही हसन अशरफ भी हैं। वो और उनकी मिसेज ने भी बहुत बाइक पर सफ़र किया है और सफ़री आदाब से भी बहुत ज़्यादा वाकफियत है। मेहमान बाइकर्स सायरा शाह, मदीहा और रूबी ने भी अपने हौसले और सफ़री आदाब की आगही से बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। यूं सबके तावुन और इश्तराक से ये सफ़र इंतहाई हसीन यादें छोड़कर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इस ख्वाहिश के साथ कि जल्द हम सब फिर किसी नए सफ़र के लिए जमा हों, बस यहीं पर अपनी इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अनटिल देन इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।